गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सुनील विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं इसके व्लॉग्स फार्मिंग लाइव। तो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि मैंने सोचा कि अभी सुबह से अभी गेट खोला ही है मैंने जस्ट में, और गाड़ी अंदर ले जाता हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, व्लॉग को बढ़ाते हैं आगे। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुँचे। तो गाइस, अभी मैंने मिल्किंग वगैरह नहीं की है, 7:15 बज चुके हैं, मुझे करनी है, उसके बाद हम अपना काम करते हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं व्लॉग को आगे। हाँ तो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि हमने पंप यहाँ पर रख लिया है। अब क्यों रखा है उसका भी मैं बताता हूँ आपको। हाँ तो गाइस, पंप इसलिए रखा है यहाँ पर क्योंकि अभी मैं अकेला हूँ और ये पंप है 20 लीटर का। मैं इसे डायरेक्ट ज़मीन से तो कर खंधे पर नहीं रख सकता, तो इसलिए गाइस मैंने यहाँ पर रख लिया है सीडिल पर। तो लहसुन में से जो फंगस वगैरह है वो प्याज में जा रहे हैं थोड़े बहुत। तो पापा ने मुझे बोला है कि अभी का एक पंप बनाकर लहसुन के 3-4 सरी के दरमियान में लहसुन के जो पास वाला प्याज है उस वहाँ पर छाड़ दो, मतलब स्प्रे कर दो। तो गाइस मैंने तैयार किया है अभी। तो गाइस अभी ये हो गया हमारा काम, अब मैं इसको चढ़ाता हूँ, देखते हैं। गाइस ऐसे ही चढ़ाना पड़ता है यार, सिंगल से नीचे से 20 लीटर का पंप ऊपर नहीं चढ़ता है, बहुत मुश्किल से चढ़ता है। अगर ज़्यादा कोशिश करो तो ये जो कस है ना, ये क्या बोलते हैं, ये रस्सी, ये टूट जाती है। इसलिए भैया अच्छे तरीके से आप देखो कितना ऐसा लग रहा है जैसे आर्मी का जवान है। अरे किसान और जवान एक ही होते हैं यार, मेहनत करते दोनों। गाइस इसको थोड़ा सा ऐसे टोक लो, ये ऐसे रख दो, हो गया सेटअप। तो गाइस अब चलेंगे और छिड़काव करेंगे। हाँ तो गाइस देखिए, मैं पंप टांग कर पहुंच चुका हूँ यहाँ पर, इस पर अभी करना है यहाँ पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाक से। गाइस ये मेरा पहली बार है, मतलब इस साल में शायद पहली बार है इलेक्ट्रिक पंप, मैंने अभी तक नहीं उठाया इसको, क्योंकि इससे एडिटर साहब ही छिड़काव करते हैं हमेशा। मेरे बटे आता है वो मैनुअल वाला, हाथ वाला पंप। हाँ तो गाइस हमारा पंप ख़त्म हो गया है और अभी ये यहाँ पर मोटर चल रही है। एक सरी पापा ने शाम को लगाई हुई थी तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे देख लूँ कहाँ तक आया भैया पानी। चलिए मैं इससे भी चेंज कर दूँगा। और अब लचका को टाइम हो गया यार, हूँ लेट हो जाऊँ मैं लचका में। मैंने आज सोचो तो कि गाइस मैंने सोचा था कि लचके को जल्दी, आज जल्दी जा रहा हूँ, आज घर पे रुका हूँ तो फटाक से लचका काट दूँगा। ये मीशू क्या कर रही है, मीशू क्या कर रहे तू? उड़ी गई उड़ी। चलो 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 चलो, हाँ हूँ भी चलो चलो। रे भागी जाओ पकड़ो उसे, यहीं से, मुझको नहीं, यहीं से, यहीं से, हाँ यहाँ से, यहाँ से, हाँ यहाँ से कूद जाओ। कहाँ जाए तू,
चाहिए। हमें करना है, चलो भागो रे भागो रे। हाँ तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि मैं अभी गेहूं में बैठा हुआ हूँ और कौन सा पत्ता आड़ो दे रहा है, हाँ ये वाला। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि हमने दवाई वगैरह का छिड़काव सुबह ही कर दिया था और अब बताएंगे आपको हम नेचर ब्यूटी। हालांकि अभी तो सभी फसलें सूख रही है और वाटर लेवल भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो नेचर ब्यूटी सूखा सूखा ही रहेगा, लेकिन ये भी अच्छी लगती है गाइस, देखिए पीलापन भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं आपको नेचर ब्यूटी। हाँ तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि देखिए ये जो नीचे वाले है ना, ये धूप के कारण जल गए हैं, ये गर्म रहता है नीचे वाला। और हम अभी पहुँचे हैं केले के पास। तो गाइस इसमें अभी टाइम है, ये जो केले हैं ये गर्मी में पक जाएंगे अच्छे से, समथिंग 1 मंथ लगेगा इसको पकने में। गाइस देखिए ये केल भी काफ़ी अच्छी चल रही है, उसमें कुछ ज़्यादा है, ये बहुत बढ़िया रहेगी इस बार। चलिए छत के ऊपर चढ़ते हैं और आपको कुछ व्यू वगैरह बताता हूँ खेती का कि यहाँ से कैसी लगती अब। क्योंकि गाइस अब थोड़े मतलब हरी हरी ख़त्म हो गई है और सब दूर पीला ही नज़र आएगा सबके खेती के। देखिए आपको मेरे चाचा के गेहूँ बताता हूँ, वो पूरी तरीके से लगभग पीले हो गए वहाँ पर। ये देखिए गाइस ये जो पीली पट्टी देख रहे हैं आप, ये नारायण चाचा के गेहूँ है और ये है हमारे, ये वाले हमारे, ये वाले हमारे, वो पीली पट्टी उनकी है। ऐसा कुछ सीन यहाँ से ये गाइस अभी पीला है और एकदम पूरी तरीके से सूख जाएगा, फिर हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, इनको काटेंगे पहले तो, और काटने के बाद इनको पूरा पूरा भिड़ा करेंगे, मतलब समेटेंगे पूरी फसल को, फिर वहाँ से यहाँ पर लाएंगे खड़े में और यहाँ पर मशीन रखकर थ्रेसर रखकर कंबाइन थ्रेसर रखकर उसको निकालेंगे, या फिर हार्वेस्टर से डायरेक्ट भी कटा सकते हैं, ऐसा भी हो वो तो वक्त बताएगा गाइस क्या, जैसे कभी पानी सर पे हो, बेमौसम बरसात हो रही है, तो फिर ऐसे में फसल को नुकसान से बचाने के लिए हमें हार्वेस्टर रखना ही पड़ता है। इसलिए अभी तो देखते हैं क्या होता है आगे। मैं यहाँ पर आ गया और वाह ये क्या है भैया, गाइस एक अनार बड़ा हो गया यार, अनार में भाई साहब कांटे होते हैं। ये देखिए गाइस गाइस अभी तो बिल्कुल भी कुछ कीड़ा वगैरह नहीं है, बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। गाइस एक अमेजिंग चीज़ है जो मैं बताना मतलब मैं पास से कभी भी बता नहीं पाया, आज बताऊंगा, क्योंकि हम चद्दर पर है और वो ऐसे ही निकल रहा है। तो चलिए चलते हैं, ये है अमेजिंग चीज़ गाइस, ये है ये जो केल का पौधा होता है, केले का फूल, इसमें से एक एक करके सारा यहाँ से, ये जो है ये भुट्टा, मतलब यार कहूँ मैं आपको, ये एक भुट्टा टाइप होता है जो हम खाते हैं ना, वो दाने वाला मक्के का भुट्टा, ऐसे ही कुछ इनमें से एक एक पत्ता छिलता जाता है, अपने आप निकलता जाता है, ऐसा चौड़ा होता जाता है, जैसे फूल कैसे खिलता जाता है, हाँ खिलता जाता है, ये ऐसे लटकता है, फूल सीधे सीधे रहते हैं, ऐसे खिलते जाते हैं धीरे धीरे, और जितना खिलता है उतने एक एक दर्जन केले निकलते जाते हैं नीचे तक। तो गाइस ऐसा कुछ सीन,
गाइस ये टाटी बैठी क्या कर रही है, ये रस का आनंद ले रही गाइस। हाँ तो गाइस देख सकते हो मैं अभी जस्ट दूध निकाल रहा हूँ। मैंने एक भैंस का निकाल चुका हूँ, अब मेरा का निकालना है मुझे। ये देख सकते हैं ये भी तैयार कर दी है। मुझे पहले खल डालनी होगी क्योंकि मेरा का बच्चा नहीं है, हमें उसे खल से ही निकालते हैं मतलब उसका दूध। तो गाइस चलिए मैं खल वगैरह कर लेता हूँ। और अभी तो पहले बताइए कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया इसलिए एंड कर रहा हूँ गाइस। मैं अभी ये दूध निकाल के डायरेक्ट घर ही जाऊँगा। और ओके अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।